हेलो गाइस वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आज हमें करना था बजट लाइन कल हमने अपना इंडिफरेंस कर्व करा था टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर बजट लाइन तो देखते हैं बजट लाइन इन्होंने ऐसे रखी है ये स्ट्रेट लाइन है राइट right? तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये बजट लाइन होती क्या चीज़ है तो देखते हैं बजट लाइन क्या होती है गेट स्टार्टेड इसको हम बजट लाइन भी बोल सकते हैं या इसको हम अपनी प्राइज लाइन भी बोल सकते हैं बजट लाइन और प्राइज लाइन ओके तो चलो देखते हैं अब सपोज uh, करो आपका बजट है कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं आपका बजट है सपोज करो ट्वेंटी रुपीज ओके okay? ट्वेंटी रुपीज इज बजट अब इस ट्वेंटी रुपीज में आपको खरीदने हैं एप्पल्स और बेनाना ठीक है ठीक आप प्राइस भी मेंशन कर देती हूं मैं इनका राइट एप्पल का प्राइस मैंने अपने केस में लिया है आप इनको ले लीजिए फोर रुपीज पर के जी एंड uh, बनाना का प्राइस आप ले लीजिए दो रुपीज पर के जी ओके okay? कई जगह बनाना केजीज में भी मिलते हैं राइट right? जनरली हम डजन में लेते हैं बट कई जगह केजीज में भी मिलते हैं चलो अब देखते हैं सबसे पहले अगर मैं एप्पल्स लूँ जीरो ठीक है बजट लाइन की एक अजम्पन होती है मुझे सारा का सारा पैसा खर्च करना है आई हैव टू स्पेंड दिस फुल होल ट्वेंटी रुपीज़ राइट तो uh, अब एप्पल मैंने कुछ नहीं खरीदे तो मैं कितने बनानाज़ खरीद सकती हूँ कितने बनाना खरीद सकती हूँ एक के जी का प्राइस है टू तो मैं कितने बनानाज़ खरीद सकती हूँ टेन टेन के जी राइट right? टेन इंटू टू ट्वेंटी पूरा पैसा खर्च हो गया ओके okay? अब अगर मैं एप्पल लूँ वन के जी राइट right? तो कितने के एप्पल आ गए वन के कितने का है चार का तो चार रुपीस के एप्पल आ गए कितने रुपीज बचे सोलह रुपए बचे सोलह रुपए के कितने बनाना आ जाएंगे सोलह बाई टू कितने एट के जी बनाना ओके उसके बाद अगर मैं टू के जी एप्पल लू तो कितने का पड़ जाएगा मेरे को फोर टू या एट आठ रुपए का कितने रुपए बचेंगे ट्वेंटी माइनस एट आपका बचेगा बारह रुपए राइट right? तो आप कितने बनाना खरीद सकते हैं फिर सिक्स राइट इस तरीके से आप निकाल लेंगे टू ओके ओके चेक कर लीजिए आप एक बार टू ठीक है फोर टू जा एट और फिर हमारे पास बचेंगे बारह ओके ठीक है फिर थ्री फोर जो ट्वेल्व ट्वेल्व रुपीज़ यहाँ पर हमारे खर्च हो गए आठ बचे तो टू ठीक है उसके बाद हमने फाइव के जी एप्पल ले लिए तो आपका आ गया फ़ाइव फोर जो ट्वेंटी तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या सॉरी ये गलत हो गया तो ये अगर मैं फोर के जी एप्पल लू वो मैंने एक स्किप कर दिया था राइट अगर मैं फोर के जी एप्पल लू तो फोर फोर जो सिक्सटीन राइट तो सोलह रुपए खर्च हो गए तो कितने बच्चे हैं मेरे पास चार रुपए और बच्चे हैं राइट तो कितने बनाना आ जाएंगे टू के जी बनाना आ जाएंगे टू टू जो फोर राइट और अगर मैं फाइव के जी एप्पल लू तो एप्पल का क्या रेट है फोर पर के जी तो फाइव फोर जो ट्वेंटी पूरा पैसा खर्च हो गया अब बनाना के लिए बचेंगे जीरो रुपीज ठीक है अब चलो देखो उसको प्लॉट करें राइट right? एक तरफ आप रख दीजिए एप्पल्स और एक तरफ आप रख दीजिए बनानास ओके okay? एप्पल्स एंड बनानास तो ये जीरो हो गया आपका ये वन टू थ्री फोर फाइव तो इसको भी इस तरफ बनाना रख रहे हैं हम टू टू के गैप में ले लेते हैं टू फोर सिक्स एट एंड टेन तो स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना जीरो पे टेन जीरो एप्पल पे टेन आपल पे बनाना ओके वन एप्पल पे एट बनाना वन एप्पल पे एट बनाना टू एप्पल पे सिक्स बनाना टू एप्पल पे सिक्स बनाना थ्री एप्पल पे फोर बनाना थ्री एप्पल पे फोर बनाना फोर एप्पल पे टू बनाना फोर पे टू और फाइव पे जीरो तो ये मैंने तो थोड़ा रफली प्लॉट किया है आप प्लॉट करेंगे तो आपका एक ना स्ट्रेट लाइन आएगी ये ना मेरी टेढ़ी आ रही है पर कैसी आएगी ये आपकी जब आप प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो आपकी क्या आएगी स्ट्रेट लाइन ठीक है ठीक है तो आपकी ये प्रॉपरली आएगी ठीक है तो ये आपकी क्या आ गई बजट लाइन ठीक है ये आपकी क्या आ गई बजट लाइन तो बजट लाइन को हम क्या बोल सकते हैं बजट लाइन है क्या जो मेरे पास गिवन बजट है मैंने उससे निकाला कि इस बजट से मैं क्या क्या, क्या कैसे कैसे सामान ले सकती हूं, कितने, कितनी कितनी क्वांटिटी किस किस की ले सकती हूँ राइट तो मेरे को प्लॉट कर दिया ये मेरे पास क्या है बजट सेट राइट तो जब मैंने इस बजट सेट को प्लॉट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई बजट लाइन तो बेसिकली बजट लाइन कुछ नहीं है इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन different combinations of two goods which can be purchased which can be purchased with given budget or income okay chalo ठीक है अब अगर वो आपसे स्लोप मांगे राइट तो स्लोप अब बेसिकली अगर स्लोप देखा जाए तो स्लोप डिफरेंस होता है दो कोऑर्डिनेट्स का बट जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं थी उनके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उनके लिए सिंपल कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं पूछा जाना है एग्जाम में बस आपको स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए राइट तो स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका प्राइज ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ वाई ठीक है तो यहां पर हम एक्स एक्सिस में क्या रखा है प्राइज ऑफ एप्पल अपॉन प्राइज ऑफ बनाना ठीक ओके अब ठीक है अब देखो यह आपको समझ आ गया मेरे को बजट लाइन में अजम्शन है मुझे हर बार देखो यहाँ पे भी कितना रुपया खर्च किया है मैंने बीस रुपया यहां पे भी बीस रुपया यहाँ पे भी बीस रुपया यहां पे भी बीस यहां पे भी बीस यहां पे भी बीस तो एक एजम्शन है कि हर समय मुझे अपना पूरा बीस रुपया खर्च करना है ओके सपोज करो सपोज मैंने एप्पल और बनाना कितने कितने लिए सपोज करो मैंने लिया वन के जी और टू के जी ओके okay? तो कितना रुपया खर्च हो गया होगा वन इंटू फोर फोर प्लस बनाना कितना था टू रुपीज के जी तो बनाना पे कितने रुपए लग गए फोर राइट तो कितने रुपीज खर्च हुए मेरे आठ रुपीज ठीक है तो एप्पल का मेरे पॉइंट्स हैं वन और टू राइट तो वन और एट की जगह मैंने कितना लिया वन और टू अगर मैं उसको प्लॉट करूं किसको वन के जी एप्पल और टू के जी बनाना वन एप्पल एंड टू बनाना तो मेरा संवेरना पॉइंट यहां पे आएगा राइट right, मेरा पॉइंट यहां पे आएगा अब हम दूसरा केस ले लेते हैं तो ये मैंने क्या की थी अंडर स्पेंडिंग ये कौन सा केस है अंडर स्पेंडिंग दैट इज वी हैव नॉट स्पेंड टोटल ट्वेंटी रुपीज तो दैट इज तो इट इट मींस क्या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक अगला सपोज सपोज ये हो एप्पल और ये इधर ले लो बनाना ओके okay. आप अपने केस पे मैंने लिया है आपका सेवन के जी एंड एट के जी सेवन के जी रही हूं तो कितने रुपए लगेंगे एक के जी है फोर का राइट तो ट्वेंटी एट प्लस बनाना कितना टू सिक्सटीन राइट तो दैट कम्स टू फोर्टी फोर रुपीज़ ओके तो इस केस में हमारा क्या था ठीक है हमारी स्पेंडिंग आठ रुपए की थी जबकि बजट टोटल गिवन था ट्वेंटी रुपीज़ का अब इस केस में क्या हो गया बजट है बीस का और हमारे हमारा खर्चा कितना हो गया फोर्टी फोर रुपीज़ का तो ये क्या है Over, क्योंकि अब फोर्टी फोर रुपीज का मैंने बना तो लिया है पर क्या मैं खरीद पाऊंगी इतनी चीज नहीं खर, खरीद पाऊंगी क्योंकि वो मेरी बजट लाइन से बाहर है मेरे पास तो सिर्फ कितना रुपया है बीस रुपया है तो मैं फोर्टी फोर रुपीज कैसे खर्च कर सकती हूं राइट right? तो वो हो जाएगा ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड बियॉन्ड द बजट right I have only 20 rupees to spend the okay. therefore I cannot purchase seven kgs and, एट के जीज ऑफ एप्पल एंड बनाना रिस्पेक्टिवली राइट मैं इतना इतना नहीं खरीद सकती क्योंकि इतना मेरे पास पैसा ही नहीं है राइट right? तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, तो देखो सेवन के जी एप्पल एट के जी बनाना सेवन एप्पल एट बनाना तो समवेयर ना मेरा पॉइंट यहाँ आएगा मतलब बजट लाइन के बियॉन्ड आएगा ठीक है मेरा यहाँ पे लिख रखा है तो एक पॉइंट मेरा यहाँ आ गया इसको मैं सपोज इसको मैं यहीं कर देती हूँ ओवर ओके ठीक है अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए तो ये पॉइंट तो है जो मैं अचीव नहीं कर सकती हूं मैं बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर चल रही थी इतना तो मेरे पास पैसा ही नहीं है हां ये वाला मैं कर सकती हूं बट उसमें क्या हो जाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज राइट तो ना ही इस पॉइंट पे काम करना है और ना ही इस पॉइंट पे काम करना है इस पॉइंट पे काम करूंगी तो इट विल इंप्लाय अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इस पॉइंट पे काम करूंगी तो ये पॉइंट क्या है ये तो मैं रीच ही नहीं कर सकती दिस इज नॉट फीजिबल राइट तो कौन सा पॉइंट मेरे लिए बेहतर है ये वाले पॉइंट्स द पॉइंट्स लाइंग

इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए राइट right? इसको दे दिया पी क्यू आर एस टी और इसको दे दिया मैंने इसको मैंने दे दिया एफ ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इज ए फिजिबल तो हम लिखेंगे यस फिजिबल तो है बट वी विल नॉट ऑपरेट एट दिस पॉइंट बिकॉज इट इंप्लाइज क्या जैसे कैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में आपके पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा पॉइंट ए इंप्लाइज नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अगला अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस दो और कोई भी दिए होंगे तो आपको क्या टिक करना है पॉइंट ए इंप्लाइज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर वो आपसे पूछे पॉइंट क्यू इंप्लाइज तो क्या टिक करेंगे इन दोनों में से इट इंप्लाइज व्हाट? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए और अगर पॉइंट ए की बात करूं तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी ओके चलो आप देखिए आप तो ये तो हो गया हमारा बजट लाइन राइट अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलीबेरियम की कंज्यूमर इक्विबीरियम की राइट right? तो कंज्यूमर इक्विबेरियम हमने पढ़ा था 11, 12 में भी आप पढ़ते हुए आए हो कंज्यूमर इक्विबीरियम वो पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन इज अचीव्ड राइट right? जहां पे जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसका मतलब जब मुझे लगेगा मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया है तब मैं बोल सकती हूं कि आई हैव अराइव एट इक्बिरियम राइट अब देखो कंज्यूमर इक्बिरियम हम जब पढ़ेंगे तो हम ना दो चीजों को लेके चलेंगे क्या एक तो मैं अपना लूंगी आई इंडिफरेंस कर्व और एक मैं लूंगी अपनी बजट लाइन राइट तो इन दोनों को मैं यूज करती हूं टू चेक कंज्यूमर्स इक्वलिबेरियम कौन सा पॉइंट होगा जिस पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा उसके लिए मुझे दो चीजें देखनी है एक है इंडिफरेंस कर्व जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था और एक जो आज किया हमने बजट लाइन तो देखते हैं क्या है अब देखो इंडिफरेंस कर्व हमने किया था जैसे मेरे पास आईसी वन है आईसी टू है आईसी थ्री है तो गिवन द चॉइस हर कोई चाहेगा क्या कि मुझे कौन सा वाला इंडिफरेंस कर्व मिले इंडिफरेंस कर्व थ्री राइट right? क्यों क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी मिलेगी बोथ ऑफ दिस गुड्स एंड दिस गुड्स राइट ओके यहां पे सपोज करो गुड्स एक्स लाए कर रहे हैं यहां पे लाई कर रहे हैं गुड्स वाई तो आईसी थ्री का मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑफ बोथ गुड्स बोथ गुड्स एक्स एंड वाई ओके तो गिवन द चॉइस आई वुड लाइक टू अराइव एट जो सबसे हाईएस्ट दिया जाएगा पर इतने ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए तो इसका मतलब सिर्फ विश से ही कुछ नहीं होता है मुझे अपना बजट भी देखना पड़ता है इसीलिए मैं इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ूंगी राइट तो देखते हैं कंबाइन करके क्या निकलता है ठीक है तो पहले बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यह है मेरी बजट लाइन अब ये दे रखा है मेरा इंडिफरेंस कर्व तो ये है आई सी वन ये है आई सी टू यह है आई सी थ्री अब गिवन द चॉइस तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर आईसी थ्री पर मेरा उतना बजट नहीं है राइट क्या आई वन चूज करूंगी नहीं क्योंकि आई वन तो क्या है आईसी वन के पॉइंट uh, क्या रिप्रेजेंट करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज राइट तो मैं कौन सा वाला करूंगी जहां पे मेरी बजट लाइन टेंजेंट और कर्व टेंजेंट हो रहे हैं वो कहां पे हो रहे हैं टेंजेंट मतलब मिल रहे हैं वो इस पॉइंट पे हो रहे हैं राइट right? तो इसको मैं दे देती दे हूं पॉइंट ई राइट इसका नाम है क्या पॉइंट ई ओके तो यहां पे है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉइंट ई राइट एज हियर एज हियर इन डिफरेंस कर्व इज टैंजेंट टू बजट लाइन ओके, okay. ठीक चलो तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे अराइव होता है जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को क्या करे टच करें टैंजेंट राइट दे आर टैंजेंट टू ईच अदर ठीक और आपने एक और चीज पढ़ी होगी ट्वेल्थ में एक और पॉइंट एक और कंडीशन होती है ऑफ कंज्यूमर इक्वलीवरियम पहली कंडीशन में पता चल गई बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन शुड 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 बी टेंजेंट टू अदर अदर दे दे कट इंटरसेक्ट अदर राइट और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई e में दूसरा एक और आपने ट्वेल्थ में कंडीशन पढ़ी होंगी क्या इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखो ना इसका क्या मतलब हुआ इंडिफ्रेंस कर्व मैंने आप कंडीशन ऑफ इक्वलिबीरियम पहले कंडीशन क्या थी आईसी शुड बी टैंजेंट टू बजट लाइन नेक्स्ट कंडीशन है इन कर्व शुड बी कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी राइट इन कर्व शुड बी तो इन ऐसा होना चाहिए कॉन्वेक्स शेप ऐसी होती है राइट right? मतलब जो ये गुलाई है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए राइट right? अगर वो कॉन्केव होगा कैसे कॉन्केव मतलब अंदर की तरफ गुलाई ऐसे तो पहली बात तो अगर ये अंदर की तरफ गोला होगा तो ये कौन सी शेप है कॉन्केव शेप राइट तो जब कॉन्केव शेप है तो इंडिफरेंस कर्व ये हो ही नहीं सकता और जब इंडिफरेंस कर्व ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम की बात तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तभी अराइव होगा जब आईसी कर्व भी होगा और बजट लाइन भी होगी राइट right? तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और यार इसकी गुलाई ये ओरिजिन की तरफ ऐसा गोल होगा राइट right? ओरिजिन की तरफ कैसे होगा ऐसे गोल होगा ओके okay? ऐसे गोल क्यों होता है कॉन्वेक्स क्यों होता है मैंने आपको पढ़ाया था क्यों कल हमने रीजन पढ़ा था ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन राइट ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस राइट डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से ही ये कैसी शेप आती है कॉन्वेक्स शेप आती है राइट right? तो अब देखते हैं तो ये हमने पढ़ लिया तो अब हम देख लेते हैं एक बार बुक का बुक में क्या है देखते हैं बजट लाइन अब देखो हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है हायर लेवल ऑफ अ लोअर वन इसीलिए कंज्यूमर की क्या कोशिश रहती है ऑर्डर टू अटम्प्ट इन इज अटेम्प टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन अपने सेटिसफैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए उसकी कोशिश येगी कि वो हायर से हायर इन डिफरेंस करव क्या कर सके अचीव कर सके राइट right? बट उसके पास कॉन्स्टेंट आ जाता है बजट कॉन्स्टेंट ही हैज टू पे द प्राइजेस एंड ही हैज लिमिटेड इनकम ठीक ठीक है तो एक्स पे कितना पैसा खर्च करूं बी प्लस बी पे कितना पैसा खर्च करूं वही बजट लाइन की कमोडिटीज याद करो एप्पल और बनाना राइट दोनों की कितनी होनी चाहिए इट शुड बी अंडर द बजट जो हमारे केस पे कितनी थी ट्वेंटी रुपीज़ राइट याद आया एक्स हमारा एप्पल ले लो वाई ले लो बनाना तो राइट एप्पल की प्राइस इंटू क्वांटिटी एप्पल पे टोटल पैसा जितना खर्च हो रहा है प्लस बनाना का कितना प्राइस है और उस हिसाब से क्वांटिटी राइट तो जितने दोनों का मिला के शुड बी अंडर दिस ट्वेंटी रुपीज राइट तो बजट का कॉन्स्टेंट मेरे पास रहता है राइट तो इसी बजट कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं बजट लाइन और प्राइस लाइन ठीक तो सिंपल वर्ड्स हमने पढ़ाया था बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मैनी इनकम ऑन राइट ऑन द टू गुड्स एट गिवन प्राइजिस तो उन सबको मैं प्लॉट कर दूंगी तो मेरे पास बजट लाइन कैसी आती है मैंने करा भी था आपके सामने ये बजट लाइन आ गई आपकी स्ट्रेट ओके okay? पर सिर्फ बजट लाइन से अब अगर मुझे अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट बताना है तो ये तो मेरे पास बजट लाइन होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व भी यहाँ पे प्लॉट करने पड़ेंगे तो जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दे आर टेंजेंट टू इच अदर इसका मतलब वो मेरा पॉइंट क्या है दैट इज माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ओके और वही है एनी पॉइंट इन साइड द बजट लाइन इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन ये तो फिर फीजिबल ही नहीं है राइट right? वो मैं वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है फोर्टी फोर रुपीज मेरे केस में था क्या मैं खर्च कर सकती हूँ नहीं मुझे कितना रुपीज़ खर्च करना है ट्वेंटी रुपीज ही खर्च करके चलना है ओके okay? तो एनी पॉइंट आउट साइड द गिवन प्राइज लाइन विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ कंज्यूमर और एनी कॉम्बिनेशन लाइन विद इन द लाइन इसका मतलब इट शोज अंडर स्पेंडिंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ओके कंज्यूमर इक्म के लिए अगेन कंज्यूमर इक्रियम के लिए आपने क्या करा एक तो इंडिफरेंस मैप को प्लॉट कर दिया देखो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व इसका मतलब इन सबको हम क्या बोलेंगे मैप राइट right? बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को वैसे भी हम क्या बोलते हैं इंडिफरेंस मैप ओके okay. और फिर आपने बजट लाइन भी प्लॉट कर दी इसको हम बोलेंगे बजट लाइन ठीक है तो आपने इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर दिया बजट लाइन आपने राइट ये बजट लाइन प्लॉट कर दी और ये आपने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर दिया मतलब इंडिफरेंस मैप आपने प्लॉट कर दिया ओके प्राइस आर फिक्स्ड बताया था यह हर जगह अजम्पन आपको सेम मिलेगा कि कंज्यूमर एक्ट राशनली सोच समझ के खर्च करेगा राइट right? तो देखो इस वाले एग्जाम्पल पे मैंने प्लॉट कर दिया टेंजेंसी का कौन सा पॉइंट है यहाँ पे यहाँ पे बजेट लाइन और इनडिफरेंस कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट क्यू राइट तो लिखा है टू शो विच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई द कंज्यूमर विल बाय टू बी इन इक्विबेरियम वी ब्रिंग इन डिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टूगेदर ठीक है

Since there is a budget constraint, बजट की प्रॉब्लम है इसीलिए उसे बजट लाइन पे ही रह के काम करना पड़ेगा राइट right? तो उसको उन्हीं combinations में से चूज करना पड़ेगा which आर लाइंग ऑन हिस बजट लाइन और price लाइन ठीक है तो देखते हैं तो बजट लाइन पे आपके कौन कौन से पॉइंट फॉल कर रहे हैं आर एस क्यू और एच कौन कौन से पॉइंट फॉल कर रहे हैं बजट लाइन पे देखो ना ये बजट लाइन है ना बजट लाइन के पॉइंट कौन कौन से हैं आर एस क्यू टी एच ठीक है अब देखो आर क्या वो आर चूज करेगा नहीं क्यों क्योंकि आर इज लाइंग ऑन लोअर इन डिफरेंस करव ठीक है इसीलिए आर वो चूज नहीं करेगा क्या वो एस चूज करेगा यस yes. एस किस पे लाई कर रहा है आई टू पे लाई कर रहा है सॉरी यहां पे हमारा आईसी uh, थ्री है राइट right? हमारी जो बजट लाइन है ना प्राइस लाइन जो है वो कौन सा इंडिफ्रेंस कर्व को इंटरसेप्ट कर रही है आईसी थ्री को राइट right? ठीक है क्या वो पॉइंट एस करेगा नहीं क्योंकि पॉइंट एस भी इज लाइंग ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व आईसी टू क्या पॉइंट क्यू करेगा यस पॉइंट क्यू तो करेगा क्योंकि पॉइंट क्यू ऐसा है जो कि मेरा सबसे हाईएस्ट, मेरा मैक्सिमम मैं जो इंडिफरेंस uh, कर्व के लिए जा सकती हूँ मैक्सिमम आई कैन गो फॉर सी थ्री सी फोर तो मेरे बजट लाइन से क्या पड़ जाता है बाहर पड़ जाता है विद इन बजट लाइन मेरा कौन सा पड़ रहा है क्यू वाला पड़ रहा है विल आई गो फॉर आई दिस टी पॉइंट नहीं टी वाला पॉइंट अगेन इज लाइंग ऑन लोअर इन डिफरेंस कर्व आई सी टू एच वाला पॉइंट भी अगेन इज लाइंग ऑन लोअर इन डिफरेंस कर्व आई सी वन राइट इसी लिए सबसे यहाँ पर बेस्ट पॉइंट मेरे लिए कौन सा है क्यू वाला तो मैं इक्वली बीरियम पर कहाँ पर अराइव करूँगी क्यू पे, पे राइट तो देखो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू लाइंग ऑन आईसी थ्री बिकॉज इट लाइज ऑन हिस बजट लाइन बजट लाइन में तो लाई कर रहा है साथ ही साथ वहां पे वो उसको हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफ़रेंस कर्व पे वो अचीव कर पा रहा है क्योंकि आईसी फोर वो अचीव नहीं कर सकता आईसी फोर तो बजट लाइन से बाहर हो जाएगा राइट बजट लाइन मेरी ये है ना बजट लाइन किसको छूती हुई जा रही है आईसी थ्री को इसका मतलब मैक्सिमम जो इंडिफरेंस कर्व जो मैं अचीव कर सकती हूँ वो मैं कौन सा वाला कर सकती हूँ आईसी थ्री क्योंकि आईसी फोर तो मेरी बजट लाइन से बाहर है और मैं अपने बजट से बाहर नहीं जा सकती राइट right? तो कोई पॉइंट ऐसा मिले जो बजट पे भी रहे और बजट लाइन पे भी रहे और हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी रहे तो वो कॉमन पॉइंट कौन सा है क्यू वाला तो कंज्यूमर चाहते तो हैं आईसी फोर और IC5 फाइव रीच करना बट दे आर बियॉन्ड दिस रीच राइट तो इसीलिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है एट पॉइंट क्यू ऑन IC3, थ्री right? राइट और यहाँ पे आप अपना वो कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम का पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस पेड फॉर एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर वाई अपॉन प्राइस पेड फॉर वाई ठीक तो ये फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आता है बस आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके वो पूछेंगे कि अपना फॉर्मूला आपको पूछेंगे फॉर्मूला पूछा जाएगा राइट right? तो हो सकता है आपके पास चार फॉर्मूले हो और इसी फॉर्मूले के ना वो गोलमोल घुमा घुमा के दे दे राइट right? तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है एक तो ये याद रखनी है राइट right? चाहे ये भी याद रख सकते हैं राइट right? क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आपको बस ये फॉर्मूला मग करना है ये रटना है राइट right? आपको पता है जितना ये यूटिलिटी एक्स जित देखो जितना प्राइस मैं एक्स पे खर्च कर रही हूं मैं कोशिश करूंगी मुझे एक्स से उतनी क्या मिले मार्जिनल यूटिलिटी मिले ठीक है एंड सेम विद वाई जितना पैसा मैं वाई पे खर्च कर रही हूं मेरी कोशिश रहेगी उससे यूटिलिटी भी उतनी ही मिले राइट तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है तो ये हो गया आपका स्लोप ठीक ठीक है तो आपको स्लोप क्या स्लोप कैसे निकलता है प्राइज ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ वाई ठीक है मार्जिनल यूटिलिटी का भी आपने लगा, निकाल दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई तो इस तरीके से आपका स्लोप निकल जाएगा राइट देखो ना दे रखा है यहां पे आपके पास दो चीजें थी ना एक था आपके पास इंडिफरेंस कर्व और एक था आपके पास प्राइज लाइन राइट ठीक इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है ऐसा होता है ना ये यहां पे ऐसा कॉन्वेक्स आता है टू ओरिजिन ये क्यों आ रहा है कॉन्वेक्स ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन शो करता है राइट right? तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व से मैं किसका स्लोप निकालूंगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस लाइन से किस चीज का स्लोप निकालूंगी मैं प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ ठीक तो यहां पे मैं क्या कर रही हूं आपको बताइए अभी तक हम क्या कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मैं किस दोनों को मर्ज कर रही हूँ इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन को मैं आपस में क्या कर रही हूँ मर्ज कर रही हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटूशन ऑफ एक्स वाई स्लोप कैसे निकलेगा हमारा एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज़ इक्वल टू प्राइज ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ वाई ठीक है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा okay. ठीक है तो आप तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है यू हैव टू जस्ट मेमोराइज एक ये वाला फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लीजिएगा अगर इस फॉर्मेट में वो पूछें राइट right? और एक आप ये याद कर लीजिएगा राइट right? तो ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिएगा ओके okay? आप तो इसको हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay? तो जो ये सेम ही है दोनों चीजें बस प्रेजेंटेशन का फर्क है अब देखो इंडिफरेंस कर्व अब आपने दो चीजें पढ़ी यहां पे दे रखा है ना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऐसा क्यों अभी आप आपने दोनों चीजें पढ़ ली एक इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ ली और पहले आपने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ ली मार्जिनल यूटिलिटी में याद करो हम चॉकलेट का एग्जांपल दिया था एक चॉकलेट खाएंगे तो इतने का सेटिस्फैक्शन दूसरी चॉकलेट खाएंगे तो इतने का सेटिस्फैक्शन तीसरी चॉकलेट खाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी तीसरे खाएंगे तो 20 का सेटिस्फैक्शन राइट जबकि इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते हैं हम बस क्या करते हैं ऑर्डरिंग करते हैं इसीलिए इसको ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या बोलते थे कार्डिनल कॉन्सेप्ट क्योंकि वो बोलता था कि इट कैन यूटिलिटी कैन बी काउंटेड ठीक है जबकि ये क्या बोलता है इट कैन नॉट बी काउंटेड हम क्या कर सकते हैं ऑर्डरिंग कर सकते हैं तो ये दो चीज़ें ले लेता था राइट जैसे हमारे एग्जाम्पल पे फूड लिया था क्लोदिंग लिया था राइट तो हम अलग अलग, अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि कितना हमें फूड चाहिए कितना हमें क्लोथ चाहिए राइट तो इस तरीके से हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी अब दोनों में ज़्यादा प्रैक्टिकल कौन सा था आपको लगा है प्राक्... ज़्यादा प्रैक्टिकल जिस जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकूँ रियल लाइफ में जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होती है मैं मैं ये नहीं बोल सकती कि पहले चॉकलेट खा के मुझे मिला पैंतीस का सेटिस्फैक्शन अगले चॉकलेट खा के बीस का नहीं वो मैं नहीं बोल सकती तो ये तो रियल लाइफ में अप्लाई होता ही नहीं है हाँ, इंडिफरेंस कर्व की एप्लीकेशन रियल लाइफ में अप्लाई हो सकती है कि अच्छा मेरे पास दो हजार रुपए है तो कितना फूड खरीदू कितना क्लोथ खरीदू अगला ऑप्शन है दो हजार रुपए फिर से खर्च करने हैं चलो फूड बढ़ा देते हैं फिर क्लोथ कम कर देते हैं तो ये मैं रियल लाइफ में रिलेट कर सकती हूं विध इंडिफरेंस कर्व और एक और चीज तो एक और पहली चीज हो पह गई इंडिफरेंस कर्व ज्यादा प्रैक्टिकल है अगला है इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ते हैं कि हमेशा दो कमोडिटीज को लेके राइट टू कमोडिटीज एट टाइम हम लेते हैं जबकि मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या ले रहे हैं ओनली वन कमोडिटी सिर्फ चॉकलेट ही तो ले रहे थे राइट वन चॉकलेट खाके थर्टी की यूटिलिटी दो चॉकलेट खाकर ट्वेंटी फोर की यूटिलिटी थ्री चॉकलेट खा के ट्वेंटी की यूटिलिटी तो यहां पे एट अ टाइम सिर्फ एक ही कमोडिटी की ली जा रही थी राइट right? तो मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या ले रहे थे वन कमोडिटी राइट तो ज्यादा बेटर कौन सा था जहां पे हम दो कमोडिटीज को एक साथ कंपेयर कर सके इसीलिए इन डिफरेंस कर्व यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एज ले, ले लेता है एक हाथ आगे निकल जाता है राइट right? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कुल मिला के इन डिफरेंस कर्व ज्यादा क्या है सुपीरियर uh, है राइट ओवर किस ओवर दिस मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच राइट तो दैट्स ऑल फॉर यूर टूडे क्लास ये हमारा ये वाला यूनिट भी निपट गया है राइट तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट यूनिट करेंगे तो दैट्स ऑल फॉर यू टू क्लास थैंक यू सो मच टेक केयर कीप स्टार्टिंग